दोस्तों, आखिर बिग बॉस के घर के कंटेस्टेंट एल्विश यादव के साथ अब घर में ऐसी कौन सी घटना घट गई है जिसके बारे में जब आप सबको ये पता चलेगा तो आप सब भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना किसी और की वजह से नहीं बल्कि बिग बॉस के ही घर की कंटेस्टेंट जिया शंकर की वजह से घटी है। आपको बता दें कि जिया शंकर ने अब एल्विश यादव के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप सबको ये पता चलेगा कि आखिर जिया ने ऐसा कौन सा घटिया काम, ऐसा कौन सा गलत काम एल्विश यादव के साथ कर दिया है, तो आप सब भी हैरान हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप सब भी जिया शंकर की बुराई करना शुरू कर देंगे और आप सब ये कहने लगेंगे कि जिया शंकर जैसी घटिया लड़की घर में इस वक्त घर में कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया है एल्विश यादव के साथ, ऐसा कौन सा बुरा काम, ऐसा कौन सा घटिया काम अब जिया शंकर ने एल्विश यादव के साथ कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से जुड़ी हुई है लेटेस्ट और बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर एल्विश यादव को बिग बॉस ने एक बहुत बड़ी सजा दी थी और बिग बॉस ने ये सजा दी थी कि वो घर में एक असिस्टेंट बनकर रहेगा। और आपको बता दें कि जैसे ही बिग बॉस ने असिस्टेंट बनने की सजा एल्विश यादव को दी तो उसके सभी कंटेस्टेंट यहाँ पर एल्विश यादव से हर काम करवाते थे, फिर चाहे वो किचन साफ करवाना हो या फिर किचन में बर्तन साफ करने हो या फिर बाथरूम या फिर वॉशरूम साफ करवाना हो। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि बिग बॉस ने एल्विश यादव से यह सजा हटा दी है और उन्हें फ्री कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर आप सब एल्विश यादव के एक बहुत बड़े फैन हैं तो आपको बता दें कि जैसे ही बिग बॉस ने एल्विश यादव की यह सजा खत्म की तो एल्विश यादव को बिग बॉस ने यहां पर डिटेक्टर बना दिया। यहां पर बिग बॉस ने यह कहा कि अब तुम कुछ भी यहां पर सभी कंटेस्टेंट से करवा सकते हो, कुछ भी अगर तुम्हें खाना हो तो तुम उनसे मंगवा सकते हो। तो आपको बता दें कि जैसे ही बिग बॉस ने एल्विश यादव को डिटेक्टर बनाया तो उसके बाद यहां पर एल्विश यादव ने घर की कंटेस्टेंट जिया शंकर को कहा कि मुझे प्यास लगी है इसलिए मुझे अभी के अभी पानी ला कर दो। और यहां पर आपको बता दें कि जिया शंकर जैसे ही एल्विश यादव को पानी लेने के लिए गई तो वहां पर जिया शंकर ने जो एल्विश यादव को पानी दिया उस पानी में जिया शंकर ने सर्फ मिलाया हुआ था। और जैसे ही यहां पर एल्विश यादव ने यह पानी पिया तो यहां पर मनीषा रानी को पता चला कि जिया शंकर ने उस पानी में सर्फ मिलाया है, जिसके बाद यहां पर हर कोई हैरान हो गया और कहने लगा कि अगर यहां पर एल्विश यादव को कुछ हो गया तो उसकी पूरी पूरी जिम्मेवार जिया शंकर होगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन जब सभी घर वाले यहां पर डांटने लगे जिया शंकर को तो जिया शंकर आगे से कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो पानी में सर्फ मिलाकर दिया है जिया शंकर ने एल्विश यादव को, उसके लिए जिया शंकर को बिग बॉस को कौन सी सजा देनी चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।